देखिए, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। हेलोएरीन क्या होते हैं? एरीन्स होते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन और ये हेलोजन। फॉर एग्जांपल हेलोएरीन, ये है हेलोजन और ये है बेंजीन रिंग। इसकी प्रिपरेशन हमको पढ़नी है, क्लियर। अभी तक हमने पढ़ी है जो हमने हेलो कंपाउंड्स बनाए हैं और आपके अल्काइल ग्रुप को लेके जो एलिफेटिक आपके हेलो कंपाउंड्स थे, ये कैसे प्रिपरेशन होगी हेलो एरियंस की। सबसे पहली प्रिपरेशन होती है फ्रॉम टॉलविन। देखिए, CH3 अगर है या कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर ऊपर अटैच है तो, और अगर मुझे इसका क्लोरीनेशन करना है या ब्रोमिनेशन करना है तो मुझे 383 केल्विन टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट लेना पड़ेगा। अप्रोक्स कितना टेम्परेचर? 383 केल्विन टेम्परेचर, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये जो टेम्परेचर होता है, ये आपके CH3 के कितने बॉन्ड है? कार्बन और हाइड्रोजन के 3। तो ये जो 3 बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक करके क्या करेगा? उसका हेलोजिनेशन, जिसको बोलेंगे बेंजाइलिक पोजिशन। इस पोजिशन को बोलते हैं बेंजाइलिक। जैसे आपका सी डबल बॉन्ड सी और ये पोजिशन कौन सी होते हैं? एलाइलिक। तो ये कौन सी पोजिशन है? बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक पोजिशन का हेलोजिनेशन होगा। टेम्परेचर याद रखेंगे 383 केल्विन टेम्परेचर और ये आपका सनलाइट। तो यहां पे जो क्लोरीनेशन होगा तो बेंजाइलिक का हेलोजिनेशन होके ये आएगा CH2 और ये आएगा Cl, क्लियर है। तो बेंजाइलिक पोजिशन का यहां पर क्या हुआ? हेलोजिनेशन। इसी तरीके से आप कोई भी एल्काइल चेन ले लीजिए यहां पर, और उसका जो आपका टर्मिनल का कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिप्लेस। तो ये क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ 383 केल्विन टेम्परेचर एंड HV, ये है लाइट प्रेजेंस। सेकेंड है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या है? सैंडमेयर रिएक्शन में हम आपका क्लोरोबेंजीन या कुछ भी ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं अगर डाइजोनियम सॉल्ट का यूज किया जाए। यह है डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शन है वो अगर सपोज करो CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl कराई जाए, तो ये जो ग्रुप है डाइजोनियम सॉल्ट, ये जो ग्रुप, ये यहां से रिलीज हो जाएगा। रीजन क्या है? देखिए, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, पहला पॉइंट। ये नाइट्रोजन यहां से जाएगा। दूसरा, नाइट्रोजन अनस्टेबल कंडीशन में है। नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है तो याद रखना ये हाईली अनस्टेबल कंडीशन होती है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हाईली अनस्टेबल कंडीशन है। तो ये अपने आप को न्यूट्रल बनाने की कोशिश करेंगे। सेकंड, मैंने आपको बता दिया, पहला नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। पॉइंट टू, नाइट्रोजन अपनी अनस्टेबल कंडीशन में है। पॉइंट नंबर थ्री, N2 एक बेटर लिविंग ग्रुप है। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, समझ गए। तो यहां से ये N2 जब रिलीज होगा तो N2 की जगह क्या आएगा? क्लोरीन। ये है, यहां पर आएगा क्लोरीन, क्लियर। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है सैंडमेयर रिएक्शन। कहां से बनाया आपने? डायजोनियम सॉल्ट से क्या बनाया? क्लोरोबेंजीन बनाया, क्लियर। अब सेम रिएक्शन आपकी आती है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन और सैंडमेयर बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है। गेटरमैन में भी आप जो क्लोरोबेंजीन बनाएंगे या ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे वो डाइजोनियम सॉल्ट की हेल्प से ही बनाते हैं। N पॉजिटिव और Cl, ये है Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लियर। तो ये फर्क क्या है? यहां पे सिर्फ आपने कॉपर लिया, वहां पे आपने क्या लिया था? कॉपर क्लोराइड, क्लियर है। क्यूप्रस क्लोराइड बोलते हैं उसको, कोई दिक्कत? तो ये जो कॉपर है और ऊपर ये CuCl है, इन दो का ही डिफरेंस है। तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है इन दोनों रिएक्शन में, सैंडमेयर में और गेटरमैन में। देखिए, गेटरमैन में आप भी आपका सेम है, ये आपका N2 यहां पे एक लिविंग ग्रुप बन रहा है और कॉपर जो है वो क्या बनाएगा? CuCl,
और क्लोराइड यहां पर आएगा तो ये आएगा क्लोरो बेंजीन बनेगा यहां पर भी और N2 यहां पर एक लिविंग ग्रुप होता है और HCl ये रिलीज हो जाएगा क्लियर है तो N2 यहां एक बहुत बेटर लिविंग ग्रुप होता है इस वजह से हम कभी भी अदरवाइज हम ऐसे भी कह सकते हैं कि OH है फिनोल है फिनोल से डायरेक्ट HCl का रिएक्शन करा दें तो आप क्लोरोबेंजीन बना लें OH हट जाएगा और क्या लग जाएगा Cl क्योंकि ये Cl है लेकिन ऐसा होता नहीं है क्यों क्योंकि अगर जो ऑक्सीजन का ये लोन पेयर है ऑक्सीजन का लोन पेयर इस बॉन्ड के साथ किस में है रेजोनेंस में अलग से करके दिखा देता हूं देखिए ये जो OH है यहां पर क्या है लोन पेयर से अगली पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड तो अगले ही सेकंड ये नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर क्या आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव लोन पेयर क्या बना लेंगे बॉन्ड तो कभी भी फिनोल एनिलीन जो होते हैं वो नेक्स्ट आपके सेकंड में अपने सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं जिसके कारण इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाता है बहुत मुश्किल हो जाता है जो इस वजह से इस OH का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता और कभी भी ऐसे ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप फिनोल का OH हटा के Cl लगा दें हमें जानबूझकर इसको किस में कन्वर्ट करना होता है डायजोनियम सोल्ट में ताकि जो नाइट्रोजन है अब देखिए नाइट्रोजन पे तो कोई लोन पेयर नहीं है यहां पे नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं पांच चार ने बॉन्ड बनाए हुए हैं एक दो तीन और चार एक पॉजिटिव चार्ज लगा है इसका मतलब चार ही इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो कोई लोन पेयर होने की यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है और जब यहां लोन पेयर नहीं है तो इस बॉन्ड के साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो ये पॉइंट ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर नहीं करता तो इस वजह से हम कभी भी सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं बेंजीन रिंग पर तो पहले हम उसको डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और जब डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो ग्रुप है N2 ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है और बेटर लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये लिविंग टेंडेंसी रखता है तो N2 जब यहां से जाएगा तो यहां क्या आएगा क्लोरीन आपको क्लियर हो गया होगा तो ये तीन प्रिपरेशन है सबसे पहले टोलिन से दूसरा डाइजोनियम सोल्ट से और थर्ड भी डाइजोनियम सोल्ट से ये है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन टोलमिन कैसे चेंज हुआ क्लोरीन की हेल्प से इन प्रेजेंस ऑफ 383 केल्विन टेम्परेचर एंड लाइट दूसरी रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन ये हर चैप्टर में आएगी सेंडमेयर रिएक्शन तो इस वजह से आप यहीं पर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि एल्कोहल फिनोल चैप्टर में भी आएगी एल्डिहाइड चैप्टर में आएगी और अमाइंस वाले में भी आएगी तो सेंडमेयर और गेटरमैन दो ऐसी रिएक्शन है जो हर एक चैप्टर में है तो सेंडमेयर रिएक्शन में क्या यूज करते हैं CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl और डायजोनियम सोल्ट को किसमें कन्वर्ट करेंगे हेलोएरीन में यहां पे भी डायजोनियम सोल्ट लेकिन यहां क्या है कॉपर और ये क्या है HCl तो ये कन्वर्ट होके ये भी क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन तो ये है तीन प्रिपरेशन है नेक्स्ट प्रिपरेशन हेलोएरीन की आपकी नॉर्मल जो हेलोजिनेशन कराते हैं बेंजीन का इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड वो कराएंगे देखिए ये है बेंजीन क्लियर इस बेंजीन का हेलोजिनेशन बहुत इजी हो जाता है अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराए तो ये बेंजीन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन होता है ये आपका क्या बनता है प्रोडक्ट इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन और क्या बनाए क्लोरो बेंजीन देखिए मैकेनिज्म क्या है जब आपकी Cl2 की रिएक्शन AlCl3 से होगी Cl2 की रिएक्शन AlCl3 से तो इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं Cl पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव ये आपका क्या क्रिएट हुआ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा बेंजीन पर तो स्टेप वन स्टेप वन स्टेप वन में बेंजीन ने अपना बॉन्ड ब्रेक किया और ये नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर एक हाइड्रोजन है क्योंकि हर एक पोजीशन पर हाइड्रोजन होती है क्योंकि कार्बन देखिए एक दो तीन और चार हाइड्रोजन हम दिखाते नहीं है जब यहां नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो ये Cl पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा
ये हमारा स्टेप है स्लो स्टेप, मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब ये अटैक कर जाएगा तो ये H और यहां पर क्या है Cl, इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो स्टेप वन। स्टेप टू, स्टेप टू के अंदर ये बेंजीन, ये पॉजिटिव, ये H और यहां पे क्या है Cl, तो रिएक्शन होगी फिर AlCl4 नेगेटिव से। AlCl4 रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ और इसे पॉजिटिव चार्ज के साथ लीव करा देगा। जब पॉजिटिव चार्ज के साथ लीव करेगा तो नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या बनेगा बॉन्ड। तो दो बॉन्ड तो ऐसे ही थे, तीसरा बॉन्ड वापस आ गया, यहां क्या है क्लोरीन। H यहां पर AlCl4 नेगेटिव के साथ जाएगा तो क्या रिलीज होगा HCl और AlCl3। ये थी हमारी फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। लेकिन लुईस एसिड लेना बहुत जरूरी है, याद रखेंगे इसका प्रॉपर मैकेनिज्म हम जब देखेंगे जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे। ये मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है कि यहां पर क्लोरीन आ रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन जा रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये रिएक्शन कैसी है, ये है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से दो इलेक्ट्रोफाइल एक्सचेंज हो रहे हैं, Cl पॉजिटिव एक्सचेंज हो रहा है H पॉजिटिव से, और बाकी कि AlCl3 Cl2 पॉजिटिव ये कैसे रिएक्शन करके बताते हैं ये डिस्कस हम लेटर चैप्टर में करेंगे बाद वाले में। बाकी जो चारों हेलोएरीन्स की रिएक्शन मैंने आपको बताई है फिर से रिवाइज करा देता हूं। पहली क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, सेकेंड गेटरमैन, थर्ड सैंडमेयर एंड फोर्थ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।